लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं सोशल एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन और ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल जफर पीरजादा साहब। आप कई संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तमाम बिजनेस संगठनों से जुड़े हुए हैं और फिल्मी दुनिया, ग्लैमर दुनिया से भी आपका एक गहरा जुड़ाव है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वयं जफर पीरजादा साहब मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट की दुनिया से आप निकलकर आप ग्लैमर की दुनिया तक आ गए, सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं, सोशल एक्टिविटी आपकी ज़्यादा है, कैसे रहा ये सफ़र आपका? सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इतने अच्छे मौके पे और इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर मुझे इनवाइट किया, और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सुधीर साहब कि आप बहुत अच्छा और एक नेक काम लेके चल रहे हो। ये भी एक बहुत मीडिया जो है वो सबसे बड़ा नेक काम आज की तारीख में हो रहे हैं, इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हो। रही बात मेरी जर्नी जो है, मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, नवसारी से हूँ, और मैंने मेरा ग्रेजुएशन वहीं पे कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैं बॉम्बे में आया और यहाँ पे हमारे एक पहचान के थे सांता क्रूज में, जिनकी एक्सपोर्ट कंपनी थी, उनका वेजिटेबल फ्रूट एक्सपोर्ट होता था यूके, यूरोप वगैरह, दुबई वगैरह सब जगह पे। आज से 20 साल पहले की बात है। तो जब मैं यहाँ आया तो वही कंपनी के अंदर मैं एज अ एक अकाउंटेंट में पहले ज्वाइन किया, उसके बाद में वहाँ पे एक्सपोर्ट मैनेजर का मेरे को होदा मिला है और 4 साल मैंने वहाँ पे उनके साथ में जॉब किया हूँ। उसके बाद मैं खुद लंदन गया और मेरे कुछ काफ़ी दोस्त थे, मेरे फादर के कुछ दोस्त थे, और वहाँ पे जाके मैंने यही वेजिटेबल फ्रूट एक्सपोर्ट के लिए मैंने वहाँ पे मैनेज किया और मैंने अपना खुद का कंपनी शुरू किया। हाँ जी, 1998 में मैंने फिर अपना खुद का कारोबार शुरू किया जो एक्सपोर्ट का है, वेजिटेबल फ्रूट्स का, यूके, यूरोप, यूएसए, मिडल ईस्ट, काफ़ी कंट्रीज में वो जाता है। तो वहीं से ये शुरू हुआ। उसके साथ साथ में मेरे एक अजीज दोस्त थे, मैं यहाँ नवी मुंबई में शिफ्ट हो गया क्योंकि सारे मार्केट नवी मुंबई में आ गए, तो मैं भी यहाँ नवी मुंबई में शिफ्ट हो गया मार्केट की वजह से और एक्सपोर्ट के बिजनेस की वजह से। और यहीं पे मैं नेरुल में रहता था, वहाँ पे मेरे एक दोस्त मिले और उन्होंने बताया कि हम कुछ एक्टिविटी सेंटर कुछ शुरू करते हैं, तो वहाँ पे हमने ये शुरू किया था, लैंग्वेज लैब एंड एक्टिविटी सेंटर, जहाँ पे हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ब्यूटी पेजेंट के जो मॉडल्स होते हैं उनको रैंप वॉक सिखाना, और इंग्लिश और जर्मन काफ़ी लैंग्वेज वगैरह सिखाना। तो 10-12 साल से हम लोग यही फील्ड में थे। तो मेरे कुछ दोस्त थे वो चला रहे थे, मैं अपने बिजनेस में था, तो उनके ही थ्रू मैं जब ये फील्ड में आया तो काफ़ी लोगों ने जाना पहचाना, तो वो अपने इवेंट्स वगैरह में मुझे बुलाने लगे, तो इसी तरीके से ये इसमें आ गया है। और जैसा आप बता रहे हो, मैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा चेंजिंग है और मैं एक ऐसी चीज ढूंढ रहा था। हम लोग छोटे मोटे सोशल काम तो घर से ही करते आए हैं क्योंकि अपने कल्चर में ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ से हमको एक रूह, जिसको बोलते हैं रूह, से हमको कोई अच्छी चीज करने को मिलती है, काम करने को मिले जी। तो मैंने देखा मिस्टर नावेद शेख जो इसके प्रेसिडेंट है, मैं उनसे मिला और उनसे काफी इंस्पायर हुआ मैं। उसके बाद मैंने ये संस्था मैंने ज्वाइन किया है। तो शुरू तो मैं नवी मुंबई का जनरल सेक्रेटरी था, 7-5 साल उनके साथ जब काम किया हूँ, उसके बाद आज मैं डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे हूँ। ये 55,000 मेंबर्स है अक्रॉस इंडिया के अंदर, और साल भर में हम लोग 30 ड्राइव्स हम लोग करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट शिक्षा है, ब्लैंकेट ड्राइव्स है, अभी कोविड के टाइम पे हमने 10,000 फैमिलीज को हम लोग ने फूड एंड ग्रेन हम लोगों ने उनको पहुँचाया है। कुछ लोग ऐसे थे कि जिन तक गवर्नमेंट की वजह से हम लोग पहुँच नहीं पाते थे काफ़ी लॉकडाउन की वजह से, तो हमने उनको पेटीएम करके दिया है। अच्छा। अगर उनका पेटीएम भी नहीं था तो हम बोले कि भाई आप राशन वाले के यहाँ चले जाओ, हमने राशन वाले को पेटीएम किया है और उनको अनाज और वो पहुँचाया है। तो ये हमारे से काम ऊपर वाले ने लिया है इस कोविड के टाइम पे भी। हमारा एक तुर्बे झोपड़पट्टी है, वहाँ पे हमारा एजुकेशन सेंटर चल रहा है, जहाँ पे 50 बच्चे हैं जिनको हम लोग केजी से लेके तो 10 तक के हम लोग उनको एजुकेशन देते हैं। अच्छा, वहीं पे हम लोगों ने एक जगह रखी है
और हमारे जो ऑनररी जो टीचर्स लोग हैं हमारे साथ में ग्रुप में, वो लोग जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको यूनिफॉर्म बुक्स हर एक चीज़ हम लोग वहीं उनको प्रोवाइड करके दिए हैं। अच्छा अच्छा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनकी जो भी उनके जो भी स्टडीज़ है वो सारी चीज़ें वहाँ हम लोग कराते हैं। जो भी ड्राइव्स आते जाते हैं सोशल वर्क के, वो हम लोग साल भर में करते रहते हैं। जी जैसा आपने कहा, आप राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह से इस काम को आप अंजाम देते हैं, कैसे लोगों की मदद कर करते रहे हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों के पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं, किसी को हॉस्पिटल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, या किसी को फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो हो सकता है हमारे पास पैनल है, लॉयर्स की पैनल है, तो अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उनको यही बोलते हैं कि भाई आप जाइए, हमारे ये लॉयर्स हैं, आपको टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं जानकारी वो आपको देंगे, या ह्यूमन आपके राइट्स क्या है वो हम उनको दिखाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि जो राइट्स हैं इंसान के वो उनको अवेयरनेस करना, उनको बताना कि भाई आपके राइट्स ये हैं, आप खुद ये कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि चलो अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है तो उनके पास गवर्नमेंट का उनके ऊपर बेज है, या पुलिस का एक सिक्का है उनके ऊपर, अगर कोई पॉलिटिशियन है तो उसके लिए उनको पार्टी का बैकग्राउंड रहता है। तो इसी तरीके से हमने उनको क्या बोला कि अगर आपको आपके राइट्स जानना है आप इसके मेंबर बन जाइए, और आप खुद अपने राइट्स गवर्नमेंट के सामने या जहाँ से भी आपको जो राइट्स है वो आप राइट्स खुद, तो हम लोग अवेयरनेस का काम ज़्यादा करते हैं। जी आपका जुड़ाव मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपने खुद भी बताया कि आपकी शुरुआत जो हुई थी वो एक्सपोर्ट से हुई थी, अभी आप कितना समय एक्सपोर्ट में दे पाते, क्योंकि आपका ज़्यादा जो रुझान है वो सोशल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा है रुझान, तो बिजनेस में कैसे समय दे पाते हैं आप? बिजनेस में ऐसा आज 15-20 साल से मेरा रूटीन हो चुका है, जैसे मेरा ऑर्डर्स आ जाते हैं, मेल के ऊपर आ जाते हैं, मेरा स्टाफ है, पैक हाउस है, यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से एपीएमसी मार्केट में ऑफिस है, तो वहीं से हम लोग जैसा उनका ऑर्डर आ जाता है सारा रूटीन से बना हुआ है, सप्लायर्स है वो माल जो भी है हमको कलेक्ट करके दे देते हैं, हमारे स्टाफ है वो लोग पूरा मैनेज कर लेते हैं, सीएचए हमारे जो एयरपोर्ट के ऊपर हमारा बुकिंग ले लेते हैं वो पहुंच जाता है। सुबह 10 से 2 बजे तक के मैं अपनी वहाँ के एक्सपोर्ट के ऑफिस में रहता हूँ, और एक्सपोर्ट के ऑफिस में 10 से लेकर 2 बजे तक के मैं रहता हूँ, और वहाँ पर मेरा जो भी एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है उसके बारे में मैं देख लेता हूँ। 2 से 5 में अपने जो दूसरे भी मेरे कारोबार है जैसे इवेंट मैनेजमेंट का है या एचआर मैनेजमेंट का है तो उसके लिए मैं देखता हूँ, और इवनिंग टाइम जो होता है वो जो भी सोशल वर्क रहता है उसके लिए मैं निकाल लेता हूँ। ज़्यादातर सैटरडे संडे होता है कोई इवेंट्स वगैरह उसमें ज़्यादा टाइम मेरा जाता है, बाकी के दिन जहाँ जो जो ड्राइव होते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसा मेरा सोशल एक्टिविटी का कैसा रहता है कि ये ऑल ओवर इंडिया में हमारे मेंबर्स हैं, सब जगह टीम बनी हुई है। अच्छा। अगर एक ड्राइव हमने यहाँ पे शुरू किया है तो फिर ऑटोमेटिक वो जितनी भी टीम है वो अपने अपने एरिया में ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, तो सब जगह पे अपना प्रेजेंस की वो नहीं रहती है, लेकिन ये है कि मॉनिटर जो भी है वो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, तो ये भी है कि वो भी इस तरीके से हो जाता है। अभी सारा रूटीन में सारी चीजें हो गई है तो वो रूटीन के हिसाब से हम सब चीजें काम चलते रहता है। ड्राइव मिल गई है। जी, जी। आपकी कंपनी है द लैंग्वेज लैब, थोड़ा सा बताइए लैंग्वेज लैब क्या है एक्चुअली? जी ये लैंग्वेज लैब जैसे मैंने बताया ये एक एक्टिविटी सेंटर है, और यहाँ पे हम लोग ब्यूटी पेजेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इंग्लिश फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज के लिए हम लोग वहाँ पे करते हैं, डांस क्लास वहाँ पे चलते हैं, सारे फॉर्म्स वगैरह वहाँ चलते हैं, और मेनली अभी जो मैंने उसको पूरा कन्वर्ट कर दिया हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट के अंदर उसको लेकर आ गया हूँ, तो जिसके अंदर हम लोग ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स, मतलब एक छोटी से बर्थडे से लेके तो आपको मैरिज पार्टी तक के, मैरिज वेडिंग तक के जो भी हो हम सब कुछ कर सकते हैं। फैशन शोज करते हैं हम लोग इसके अंदर, ब्यूटी पेजेंट करते हैं हम लोग, डांस शोज करते हैं, पीआर मैनेजमेंट का हम लोग करते हैं, जैसे मीडिया वालों के साथ आप लोगों से जुड़े हुए हैं पीआर मैनेजमेंट का भी हम लोग करते हैं, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का भी हो जाता है, तो ये भी एक पूरा सेटअप हमारा बना है, सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो पूरे इवेंट भी हम लोग उसके अंदर ही, हम लोग लैंग्वेज लैब के अंदर ही हम लोग पूरा कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने खुद बताया कि बहुत सारा जो इवेंट मैनेजमेंट है और ब्यूटी कॉम्पिटिशंस है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर है, यह बड़ा काम है और बहुत सारे लोगों की इसकी ज़रूरत रहती है, और सही समय पर सही अगर एजेंसी मिल जाती है, सही अगर कंपनी मिल जाती है तो ज़्यादा आसानी से एक्सप्लोर हो जाता है, ये सब सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं करने के लिए। नवी मुंबई बहुत ही राइजिंग सिटी है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर शहरीकरण हो रहा है, पूरा इलाका बढ़ रहा है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो नए आ रहे हैं यहाँ पर, अगर उनका कोई इवेंट होता है तो कैसे वो
तो लैंग्वेज लैब से जुड़ सकते जी, हैं जी। अभी मेरा जो है आज 12-15 साल से मैं ये इवेंट मैनेजमेंट में भी हूँ, तो मेरे सब लोगों से कनेक्शन हो चुके हैं। आप समझ लो कि अगर कोई ब्यूटी पेजेंट करना है तो फैशन डिजाइनर जितने भी हैं आज की तारीख में या फैशन इंस्टीट्यूट वाले जितने भी हैं वो सारे मेरे कनेक्शन में हैं। वेंडर्स जैसे कि अभी प्रोडक्शन हाउस वाले हो गए, माइक साउंड लाइट जो भी है, वेन्यूज जैसे हैं जितने भी वेन्यूज हैं, होटल्स हैं या ऑडिटोरियम्स हैं, उन लोगों से सबसे मेरा लगाव है, उनसे सबसे मैंने टाई अप किया हुआ हूँ। मॉडल्स जितने भी हैं आज इतने साल से है, काफ़ी सारे मॉडल्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट जो होता है पूरे शो के लिए वो सारी चीज़ें मेरे साथ में जुड़ी हुई है इंडिविजुअल। तो मैं वही करता हूँ कि कोई अगर मेरे पास आता है तो उनको ए टू जेड मतलब मैं उनका पीआर से लेके उनकी हर एक चीज़ पूरा शो हम उनको करके दे सकते हैं अंडर लैंग्वेज लैब के अंदर। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट उनको रहता है कि इतने साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है और मेरे जो कनेक्शन है वो सब एक साथ में जुड़ जाता है, मतलब एक वन रूफ के नीचे सारी सारी फैसिलिटी, ये वन इन सिंगल रूफ जी। आप कहीं अच्छा ओके ठीक है। अब अगर देखें तो कई ब्यूटी कंपटीशन अभी हाल ही में जो हुआ था मिस नवीन भाई, उसमें भी आपकी सहभागिता रही है, कैसा रहा ये कंपटीशन आपकी सहभागिता से? जी नवी मुंबई में जो सबसे हैपनिंग होता है या सबसे अच्छा जो अगर कोई शो होता है तो वो मिस नवी मुंबई है, क्योंकि यूएनआई एंटरटेनमेंट हरमीत जी और उनके फादर हैं और उनके सिस्टर और उनके ब्रदर मनमीत वगैरह ये लोग आज 10 साल से मैं भी उनके साथ में जुड़ा हूँ। उनका फर्स्ट शो जो था वो हमारे लैंग्वेज लैब में ही 3 साल तक हम लोग कंटिन्यूस वहाँ पे ग्रूमिंग वगैरह किए हम लोगों ने, तो ये भी शो एक बहुत अच्छे लेवल का होता है और यहीं से आज जितने भी बड़े बड़े मॉडल्स हुए हैं, फिर वो दिव्या अग्रवाल हो या जितने भी गए हैं, काफ़ी बड़े ऐसे मॉडल्स जो हैं वो आज अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बहुत अलग लेवल का ये होता है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं होती है ज़्यादा ऐसी कुछ, तो ये एक मैं बोलता हूँ कि ये बहुत अच्छा इवेंट होता है जी। अगर कुछ उपलब्धियों की बात करें तो इस बीच में अगर देखें तो 10-15 सालों के बीच में द लैंग्वेज लैग और जो आपकी कंपनी है, सोशल एक्टिविटी को छोड़ के मैं बोलना पूछना चाहता हूं आपसे कि कई काफ़ी संघर्ष रहा होगा इस बीच में, तो कैसे उपलब्धियों को आप कैसे देखते हैं कि हम कहां किस मुकाम पर अभी तक पहुंच पाए हैं? जी देखो बोलते हैं ना कि मैं अकेला ही चला जा रहा था मंजिले मकसूद मगर, मैं अकेला ही चला जा रहा था मंजिले मकसूद मगर आप जैसे लोग आते गए और कारवां बनता गया, तो इसी तरीके से लोग जुड़ते जाते हैं और काम अपने आगे बढ़ते जाते हैं, तो लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों का बहुत प्यार है। आज मैं वीक के अंदर समझो 4-5 ऐसे इवेंट होती है कि जहाँ पे वो लोग मुझे इनवाइट करते हैं एज अ ज्यूरी, एज अ जज, एज अ गेस्ट, तो ये लोगों का प्यार है। तो आज उन लोगों ने जब मुझ में कुछ ऐसी बात देखी है या मेरे से जो भी हेल्प हो सकती है मैं उनको हेल्प करते रहता हूँ, तो उसकी वजह से आज वो लोग मुझे गिनते हैं या मुझे बुलाते हैं, आज ये मकाम मैंने हासिल किया है। तो ये जो भी है सब लोगों का प्यार है और आप जैसे लोगों हैं जिनका साथ और सपोर्ट, मीडिया वालों का सबका मुझे इतना सपोर्ट मिला है, उसके वजह से हम आज ये मुकाम पे हैं। आपने एक बात कही कि आप कई कार्यक्रमों में जूरी रह चुके हैं, आने वाले समय में किस तरह की तैयारी है, किन कार्यक्रमों में और भी आप जज के तौर पर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जी अभी रिसेंटली एक इंडिया लेवल का ब्यूटी पेजेंट होने जा रहा है, मिस्टर मिस एंड मिसेस आइकॉनिक दिवा करके, और ये हम लोग कर रहे हैं गोवा के अंदर। तो अभी मई के अंदर ही 29 को हम लोग मैं गोवा के अंदर कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं पूरा उसका लीगल एडवाइज़र भी हूँ मैं, और काफ़ी चीज़ें उसके अंदर मैं खुद अपने मेरे ही हैंड से काफ़ी चीज़ें होती है। लास्ट ईयर भी मैंने मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र उन्हीं का किया था, हिल्टन होटल में किया था बॉम्बे के अंदर, काफ़ी अच्छा बड़ा शो हो गया था, और ये भी एक इंडिया लेवल का है और उसी के सारे ऑडिशंस ये वो सब कुछ अभी हम लोग कर रहे हैं, पूना के अंदर कर रहे हैं, गुजरात में कर रहा हूँ मैं, तो उसका भी अभी प्लानिंग है, वो भी चल रहा है। एक स्टारलेट वालों का है जो थाना से है, उनका भी इवेंट मई के अंदर ही आ रहा है। अच्छा। तो 2-3 ब्यूटी पेजेंट आ रहे हैं, फैशन शोज आ रहे हैं, एवर शो एक मैं कर रहा हूँ पूना के अंदर जो डॉक्टर लोगों के लिए, जो कोविड-19 के टाइम पे जो डॉक्टर लोगों ने किया है वो हयात पूना हयात में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें विद्या बालन वगैरह एज अ गेस्ट में आ रहे हैं, तो वो पूरा शो भी द लैंग्वेज ले भी कर रहा है। अच्छा। जहाँ पे मैं खुद हूँ, तो काफ़ी शोज है पूना में, और भी एक इवेंट है ब्यूटी पेजेंट है वो करने जा रहा हूँ मैं, वो भी इंडिया लेवल का ही रहने वाला है। सो अपकमिंग जो है अभी लॉकडाउन की वजह से सारी चीजें जो रुकी हुई हाँ, वो सारी अभी शुरू हो रही है और वो अभी नेक्स्ट मंथ से अभी कंटिन्यूटी में हो जाएगी जी।
जफर भाई, ये आपने जो बताया कि अभी आने वाले समय में कई जैसे इवेंट द लैंग्वेज लैब की तरफ से होने वाले हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अगले 5 सालों में इस कंपनी को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, कि जिस तरह से आप शिद्दत से इस काम को कर रहे हैं, अगला मुकाम क्या है आप देख रहे हैं इसे? मेन तो अभी यह है कि इसको जितना मैं जितने लोगों को साथ में जोड़ा सकूं वो मेरा सबसे पहले मकसद है, कि मेरी वजह ये कंपनी की वजह से या मेरी वजह से जितने लोगों का फायदा होता हो, जितने लोगों का भला हो, मैं वो चाहता हूं कि सारे लोग इस साथ में जुड़े हैं। अभी जैसे अभी आपको मैं बताया कि हमने PR का भी शुरू किया है, तो अभी आप जैसे मीडिया के साथ में मिलकर हम लोग जो भी इवेंट्स होती है उनका PR मैनेजमेंट भी हम लोग उसी के अंदर देख रहे हैं, तो अच्छे अच्छे मीडिया वालों को भी हम साथ में जुड़ा रहे हैं, अच्छी इवेंट्स करना चाहते हैं। और हम खुद अभी ये मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन का, उसका हम लोग एवरी ईयर एक अवार्ड फंक्शन करते हैं, अच्छा, जिसके अंदर काफ़ी सेलिब्रिटीज और डिग्नेटरीज को हम लोग अवार्ड देते हैं, तो वो शो भी पूरा मैं ही हैंडल कर लेता हूँ, अच्छा। तो उसको भी एक एक अलग मकाम पे हमको लेके जाना है, इंटरनेशनल मकाम पे हमको लेके जाना है, तो जो भी इवेंट ऐसी हो कि जो इंटरनेशनल लेवल की हो, तो उसी के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस है मेरा। मैं कुछ 4-5 सवाल आपके पर्सनल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको एक लाइन में उसके जवाब देने हैं। जी जी। आपको गुस्सा कब आता है? जब कोई झूठ बोलता है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब मैं अपनी तरक्की देखता हूँ और सामने वाले तारीफ करते हैं, तो ऑब्वियसली खुशी होती है। आपको खाने में सबसे अच्छा आपका फेवरेट फूड क्या है? सर जी, मैं हार्डकोर नॉनवेज हूँ। अच्छा। आपका हॉलीडे डेस्टिनेशन? मेरा हॉलीडे डेस्टिनेशन मैं यूरोप वगैरह जाते रहता हूँ, और मुझे पेरिस सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा। अगर एक दिन का आपको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मैं एक दिन का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाऊँ, तो सबसे पहले तो ये जितने भी झोपड़पट्टी है या जितने भी स्लम्स हैं उनके लिए मुझे काम करना है। जैसा अभी हम लोग एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं, स्लम्स के अंदर बहुत खराब उनकी हालत है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि बच्चे पढ़े, उनको सिर्फ मजदूरी में लगा दिए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि जितने भी स्लम्स एरिया हैं उनका एजुकेशन के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दें, या उनका रहन सहन के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दें। अचानक अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आप उनसे एक चीज़ क्या मांगेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। अचानक भगवान अगर प्रकट हो जाए, सबसे पहले तो ये है कि बस भगवान आ जाए मेरे सामने, यही सबसे बड़ी इच्छा है मेरी। क्या बात है। और दो तीन सवाल आखिरी। एक बिजनेसमैन के लिए सोशल वर्क बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बिजनेस भी मेंटेन करना है और लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निभानी है। कितना चैलेंजिंग है आज के दौर में कि अपने घर से पैसा लगाना और लोगों के लिए चैरिटी करना, और ये दोनों के बीच में आप बैलेंस करके चल रहे हैं, ये कितना चैलेंजिंग है? जी, ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा, जो हमारा जो सोशल वर्क है ये हमारी टीम का वर्क है। अच्छा। मैं अकेला नहीं हूँ इसके अंदर, जितने भी हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं या जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उसमें नावेद जी है और काफ़ी दूसरे भी लोग हैं, तो उन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हाथ है, कि जो मुझे सोशल वर्क के अंदर जो भी फंड वगैरह जो कुछ भी होता है वो हमारी पूरी टीम अपने हिसाब से करके लेती है। हमारी एक चीज़ ये भी है कि ना हम कभी गवर्नमेंट से कभी कोई पैसा लिया है, ना हम किसी से लिया है, जो हमारी टीम है वो लोग ही अपने आप कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसी में हम लोग जहाँ जहाँ भी टीम होती है वो इस तरीके से संभाल लेते हैं। दूसरी बात है एक्सपोर्ट का, तो मैंने आपको बताया कि फिलहाल तो थोड़ा अभी स्लो डाउन ही चल रहा है। क्या हो गया कि कोविड की वजह से फ्लाइट जा नहीं रही है, मेरा सारा बाय एयर से जाता है यूके यूरोप वगैरह, तो यूरोपियन कंट्री ने भी बैन किया है अभी यहाँ के प्रोडक्ट, तो अभी 8-9 महीने से तो अभी ये बंद ही रहा है। फिर भी ये है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दोनों तरफ, दोनों मेरी आंखें हैं, या सोशल वर्क हो या मेरा बिजनेस हो, दो मेरी आंखें हैं जिसको मैं बराबर से देखते रहता हूँ। आपकी फैमिली के लोग किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं? ये फील्ड के अंदर सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो फैमिली का ही होता है। आज फैमिली का इतना बैकग्राउंड नहीं होता, हाथ नहीं होता, या उनका इतना मजबूत नहीं होता बैकग्राउंड से, तो आज मैं ये मकाम हासिल ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज दिन दिन भर मैं बाहर रहता हूँ, सैटरडे संडे सिर्फ मिलता है, उसमें भी मैं कोई इवेंट में चला जाता हूँ, तो मेरी फैमिली का मेरे पर बहुत बड़ा हाथ है, और मैं आज सबका शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं मेरी फैमिली का सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप बिजनेस भी देख रहे हैं, सोशल एक्टिविटी भी देख रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी लोगों के बिजनेस स्पॉइल्स हो गए हैं और काफ़ी लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं,
लेकिन मैं एक ही चीज आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ये कुछ वक्त के लिए है, जितना भी वक्त है पहले आप अपने आप को संभालिए। अगर आप खुद हैं तो आपके आगे बिजनेस भी रहेगा, आपके आगे काम भी रहेगा। तो जितना हो सके उतना अपने आप को इस चीज से बचा के रखिए। अभी भी आप देख रहे हो पूरे महाराष्ट्र का आज का मैंने रिकॉर्ड मैंने देखा हूँ कि काफी चीजें बिगड़ चुकी है, लोग बहुत बाहर निकल रहे हैं। प्लीज अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप अपने आप को सेफ रखिए और अपना केयर करिए। अगर आप बोलते जान है तो जहान है, तो मेन चीज ये है कि जितना हो सके उतना आप अपने आप को संभालिए। ये वक्त थोड़े दिन का है, निकल जाएगा, आगे आपके हाथ में पूरी लाइफ पड़ी है। प्लीज आप लोग भी इसी तरह जुड़े रहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सारे मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके उतना आप आवाम के लिए, पब्लिक के लिए आप काम करिए। आप लोगों की इस वक्त बहुत जरूरत है। सो थैंक यू सो मच टीवी वन इंडिया जो आज इतने अच्छे शो में आज मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच जफर भाई, बहुत बहुत आपका थैंक यू। जैसा कि आपने कहा कि जान है तो जहान है, इस पे तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन जो उन्होंने बताया है, जो आपकी कंपनी है द लैंग्वेज लैब और ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, जिसके जरिए आप तमाम लोगों के लिए सेवाएं दे रहे हैं, तमाम लोगों की पर्सनालिटी आप डेवलप कर रहे हैं, तमाम लोगों का करियर बनाने में आप जुटे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे हमारी जो बातचीत है आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा टीवी वन इंडिया। नमस्कार।